एबीपी न्यूज आपको लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य की चरमराई व्यवस्थाओं के बारे में लगातार बता रहा है। हम अब पहुंचे हैं पिथौरागढ़ से करीब 150 किलोमीटर दूर नीलम गांव में। ये सीमांत इलाके का आखिरी गांव कहा जाता है, जहां पर सड़क खत्म हो जाती है, गाड़ी सिर्फ यहीं तक जाती है। इसके बाद अगर आपको जाना हो तो 35 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद आप अगले गांव में पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैमरामैन अजय तिवारी आपको दिखाएंगे कि पैदल चलते हुए कुछ लोग यहां से जा रहे हैं और ये लोग 35 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और आगे की तरफ पहुंचेंगे यहां से। और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो इस गांव में भी काफ़ी कम जो है वो नज़र आ रही हैं। यहां के जो सरपंच हैं नीलम गांव के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गांव के कुछ और लोग भी हैं। पहले सरपंच से बात करते हैं। सरपंच जी, कितनी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, कोरोना का काल चल रहा है, क्या पूरी सुविधाएं इस गांव में मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं? सुविधा तो कुछ भी नहीं है इधर गाँव में, अभी समस्या है ना, डॉक्टर है ढंग के ना कुछ है। एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल है वो भी पार है, और तो ज़्यादा समस्या ही लगा लो, दवा के लिए मुंशहरी जाना होता है, और कोई भी काम है तो मुंशहरी से ही होता है। अब वहाँ जैसे वहाँ भी समस्या हो गई तो फिर पिथौरागढ़ रेफर हो जाता है, तो स्वास्थ्य के लेके जो है बहुत ही परेशानी है इधर लगभग। कितने तीन गांव आसपास के कौन कौन से गांव हैं और कितनी जनसंख्या होगी, और क्या ये एक ही मेडिकल सेंटर यहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी, एक ही मेडिकल सेंटर है, लगभग 2-2.5 के आसपास होंगे हजार आबादी। यहाँ आता है बुई गांव हो गया, पातों, लहंगा, लीलम और साई पोलू आ गया बगल में, फिर बाकी लास्ट गांव ही हुआ ये, बस बाकी कुछ नहीं। गाड़ी जो है सिर्फ यहीं तक आती है, इसके बाद कौन सा गांव है और कितने दिन लगते हैं लोगों को यहाँ से पैदल पहुँचने में, और क्या वहाँ पर कोई मेडिकल सेंटर है? आगे तो कोई मेडिकल सेंटर नहीं है, वहाँ जो भी है ITBP वगैरह थोड़ा मेडिसिन देते होंगे तो वो बात अलग है, बाकी तो कोई सेंटर नहीं है आगे। कभी जाते हैं लगभग ये बरसात में, जैसे जाएंगे अभी डॉक्टर वगैरह दवाई लेके वो जाएंगे आगे को जोहार के लिए। गांव के कुछ और भी जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती। सरस्वती जी, कितनी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के गांव के अंदर, आप बताइए। बहुत ही समस्या है, पहले तो इससे ज़्यादा था, आजकल थोड़ा यहाँ जो है रोड आने के हिसाब से जो है, जैसे भी आते हैं लोग बाग गाड़ी लेके, हम अपने पर्सनल गाड़ी मंगाते हैं, इस हिसाब से हमें थोड़ा सुविधाएँ मिलता है। नहीं तो जिसको ज़्यादा तबीयत खराब हो गया उसको गाड़ी आने तक भी दिक्कत आ जाते हैं, यहाँ से बहुत ही परेशानी है, और अभी भी परेशानी झेल ही रहे हैं जब तक रोड क्लियर न बने, ऐसे हैं। अभी कोरोना चल रहा है कि आपके गांव में टेस्टिंग वगैरह हुई है किसी की, और क्या कोई कोरोना पीड़ित भी है? ऐसा कोरोना तो अभी भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं आया इधर पार गांव में, टेस्ट वगैरह हुआ बल, और ये हमें पता नहीं चला कि गांव में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इतना है जो हमें नॉर्मल बुखार आ जाता है वो हम मुंशहरी जाके दवा हवा लेके आके अपना कर ही लेते हैं ट्रीटमेंट जो भी है हमारे अपने तरफ से, ये है बस। मुंशहरी भी जो है वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो बुखार की दवाई इस वाले मेडिकल सेंटर में नहीं मिल पाती है? कम ही मिलता है, फिर जनसंख्या भी ज़्यादा ही हुई इधर, इधर उधर 2-4 गांव हुआ, फिर और कोई आने वाला ठहरा, किसी दिन ख़त्म होने वाला ठहरा, फिर दवा भी यहाँ तक गाड़ी में आए, यहाँ से पहुँचाने के लिए आदमी लेबर नहीं मिलता है, वो भी कहता है कि हमें दिक्कत है, अगर लेबर मिल गया 1-2 दिन यहीं रहने वाला ठहरा वो दवा, फिर आगे तब लेबर मिला तभी आगे जाने वाला ठहरा। बहुत ज़्यादा समस्या है, आप इधर समस्या हर चीज़ से समस्या है। अभी थोड़ा जो है सरकार ने ये रोड देने के कारण इतना तक गाड़ी पहुंच रहा है, इससे हमें थोड़ा राहत है हल्का। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। गणेश, ये बताइए कि क्या और दिक्कतें आती हैं आपको, अगर कोरोना चल रहा है इस कोरोना काल में क्या और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ? बहुत प्रॉब्लम है यहाँ लोगों को, जैसे दवाई कुछ मिलता नहीं है, हॉस्पिटल उपलब्ध है पर वहाँ दवाई मिलता ही नहीं है, जैसे वो सरपंच जी ने बोला पैथोलॉजी है थोड़ा बहुत रखते हैं यहाँ, जैसे कोई लोग बीमार हो गए गाड़ी वाले इतने लेते हैं, और ऊपर जैसे लोग जाते हैं वहाँ से आते हैं आदमी को लाने में दिक्कत आते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं, और कोरोना काल में ये बहुत दिक्कत चल ही रहा है सर। मैं इधर साई पोलू गाँव का हूँ, मैं यहाँ लीलमा आया हूँ सामान हमान पहुँचाने के लिए। आपका जो गांव है साई पोलो, वो भी 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना होता है, तो अगर आपको दवाई लेनी हो तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? यहीं आना हुआ या मुंशहरी जाना हुआ, अगर मुंशहरी उपलब्ध नहीं हुआ वो पिथौरागढ़ ही जाना हुआ, जैसे सरपंच जी ने बोला वही
सेम बात है, मतलब हमारे गांव में भी वही दिक्कत है। ये रोड है, यहाँ से भी 1-1.5 घंटा लगता है गांव में पहुंचने के लिए, और सब समस्या वही है, मतलब जो सरपंच जी ने बोला, जो हमारे यहाँ भाभी लोगों ने बोला, वही दिक्कत है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार यही समस्याएं देखने को मिल रही है। इस वक्त हम सीमांत गांव में मौजूद हैं, बिल्कुल जो चाइना है, बताया जाता है कि यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर चाइना यहां से है, और ये लगभग 80 किलोमीटर दूर यहां से चाइना है। और आपको सामने एक मेडिकल सेंटर जो मौजूद है वो दिखाना चाहेंगे, वो सामने मेडिकल सेंटर है, और आसपास के जो 3-4 गांव हैं उसी का ये एक मेडिकल सेंटर है, जहां पर सिर्फ होम्योपैथिक की दवाई मिलती है और कोई दवाई यहां पर मौजूद नहीं होती है। तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि गाँव वालों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको किसी और दवाई की ज़रूरत होती है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, यानी कि उसे जाना है मुंशियारी, और अगर मुंशियारी में भी इलाज नहीं हो पाता है तो 150 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके पीछे की तरफ जो 35 किलोमीटर दूर जो गांव है, वहां पर कोई भी मेडिकल सेंटर मौजूद नहीं है। आईटीबीपी का जो कैंप है, वहीं से उनको दवाई मिलती है, और अगर वहां इलाज नहीं हो पाता है तो उनको वहां से पैदल ही यहां आना होता है, और उसके बाद या तो इलाज मुंशियारी में हो पाएगा उनका भी, या फिर उनको भी पिथौरागढ़ जाना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज के जो गांव पहाड़ों पर बसे हुए हैं, उनको इस कोरोना काल में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़ मुंशियारी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।